हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं एक कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग लेके आया हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या चीज़ छुपा रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं। सो ओवरऑल उनके करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जी अपडेट। वीडियो लंबा होगा, एंड तक देखिएगा एंड हर बात को महसूस कीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो जाए, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। और मैं मानता हूँ कि जब मेरे को मैसेजेस आता है, बुलावा आता है, जब मेरे को साइंस आता है, तभी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो कलेक्टिव इसीलिए मैं डालता हूँ ताकि सब लोगों के पास एक मैसेज जाए, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए। सेकेंडली, मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ और मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके कॉल करके नहीं बोलूँगा कि प्राइवेट रीडिंग के लिए पैसा सेंड करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ये सब नहीं करता हूँ। और रही बात रीडिंग का, कोई भी ओरिजिनल टैरो रीडर ये सब नहीं करते, ये यूनिवर्स के खिलाफ है। ओके, सो मेरा एक ही प्रोफाइल है, महाकाली टैरो बाय अनिर्बान मुखर्जी। उस प्रोफाइल पे फॉलो कीजिएगा और उसके पास में आपको ब्लू टिक दिख जाएगा, इंस्टाग्राम वेरीफाइड प्रोफाइल है वो। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे आपके पर्सन का एनर्जी क्या है। सो मैं दसवां विद्या माँ को बुला रहा हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय माँ मातंगी, जय माँ सोरसी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ धूमावती, जय माँ कमला, जय माँ भैरवी, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ, जय माँ, जय माँ कमला। काली काली महाकाली काली के पापा रणी धर्म कले देवी नारायण नमस्ते माँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, पहला कार्ड आ गया है थ्री ऑफ शोर्ड्स का। ओके, दिस कार्ड इज वेरी वेरी एनर्जेटिक। सेकेंड, ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है द फुल का। ओके, ग्रेट। एंड थर्ड कार्ड आ गया एट ऑफ वांड्स का। मेरे ख्याल से एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के मैसेजेस बहुत ज्यादा है। वर्गो का भी है मैं देख सकता हूँ, एंड एट द सेम टाइम पाइसिस का भी मैसेजेस आए हैं मैं देख सकता हूँ। कोई पर्सन का दिल टूटा है। ओके, ये पर्सन बहुत सैड है, डिप्रेस्ड है, क्योंकि ये पर्सन को बुरा लगा। ये पर्सन अपने दिल से कुछ चीज़ों को रिलीज करे, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप दोनों काफ़ी हद तक मिले थे, काफ़ी हद तक बात किए थे, बट इसके मन में आ गया था कि शायद ये आपके साथ फेक कर रहे हैं, या फिर ये इसको कुछ आया था कि शायद ये खुद को फोर्स करके आपके साथ बात कर रहे हैं, या फिर दोनों के बीच में बहुत पुरानी चीज़ों को लेकर झमेला हुआ। कहीं ना कहीं किसी का दिल टूटा है और वो एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। ये मैं देख सकता हूँ कि शायद ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मुंह पे तो कुछ नहीं बोल रहे, बट ये बात नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं मैं एक नो कॉन्टैक्ट पर्सन को महसूस कर सकता हूँ। ये पर्सन अभी बहुत सैड एंड डिप्रेस्ड है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये लंच स्किप किए हैं या फिर इवनिंग में भी कहाँ पे भी नहीं गए हैं, ये अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। फिलहाल इसके एनर्जी बहुत नेगेटिव है और ये बार बार एक ही चीज़ बोल रहे कि फॉरगिव मी, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को एक मौका दो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि इस पर्सन के साथ आप रिसेंटली कॉर्ड कटिंग रिचुअल किए हो, या फिर बहुत गुस्से में आके मन ही मन इसको कुछ बोले हो, क्योंकि मेंटल मैसेजेस एक्सचेंज आप कर रहे थे इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन आपको गोस्ट करके चले गए थे। और इसके गोस्ट करने का एक ही रीज़न था ये, कि ये अपने पास्ट को अभी भी अपने दिल से पूरी तरीके से निकाल नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन फोर्सफुली खुद को अच्छा फील करवाने के लिए आपके लाइफ में आए थे। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप्स में पास्ट के बहुत ख्याल आए थे, कैओटिक एनर्जी था। कुछ हद तक मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप भी अपने पास्ट को बहुत बहुत बार रिमाइंड किए हो, क्योंकि नवंबर का महीना है, सो बहुत ज़्यादा पास्ट का रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, डर आ रहे हैं, अजीब किस्म का एक फीलिंग्स है। और खास करके मैं ये देख सकता हूँ कि पुराने फोटोज आ रहा है, पुराने मैसेजेस का बैकअप्स आ रहे हैं, पुरानी चीज़ें दिख जा रहा है, सपना देखे हो। ओवरऑल दोनों के एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग है। उसके बाद यहाँ पे द फुल, कहीं ना कहीं तूफान के बाद जो रोशनी, या फिर बारिश के बाद जो रोशनी है, कहीं ना कहीं छोटा सा ग्लिम्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में ये सोच रहे। तो मेरे ख्याल से ये कोई चैट करना चाहते हैं आपसे, जिप्स शेयर करना चाहते हैं, मेम शेयर करना चाहते हैं,
कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि एक फ्रेश स्टार्ट ये करने वाले हैं, फाइनली मैं देख सकता हूँ कि डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं और ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि दोबारा ये कोई मिस्टेक करे। कहीं ना कहीं मैं एक चीज देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में या तो बहुत ज्यादा झमेला हुआ या फिर चोरी छुपे आपने इसको ट्रैक किए और आपको पता चला कि ये ऑनलाइन थे बट फिर भी चैट नहीं किए, या फिर ये कहीं पे गए थे आपको बोला नहीं, या फिर आपको झूठ बोला। कहीं ना कहीं मैं एक चीज देख सकता हूँ कि कोई पर्सन फाइनली अपने दिल से दर्द को रिलीज करके आपके सामने आ रहे। ये भी हो सकता है दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, बात बंद था, फाइनली एक दूसरे से छोटे मोटे करके बात करना स्टार्ट कर रहे हो। बट एक एनर्जी ऐसा भी है जो फुल्ली ट्रस्टेबल नहीं है। सो मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। सो टेक अ लीप ऑफ फेथ, ये इस समय पे भाग्य के ऊपर पूरी चीज को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ काफी ज्यादा मैसेजेस, ये इंटीमेट मैसेज हो सकता है, सेक्सुअल मैसेजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत पैशनेट है। आई एम वेरी सॉरी, इस टाइम पे इस पर्सन को प्यार नहीं फील हो रहे, बट येस ये आपके आपको देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो मैं ये भी देख सकता हूँ बहुत ज्यादा सेक्सुअल मैसेजेस, इंटीमेट थॉट्स आपके दिमाग में भी आ रहे हैं, क्योंकि ये कंस्टेंटली आपको यही बोल रहे कि आप इतना सुंदर क्यों है। मैं देख रहा हूं कि आपके फिजिकल ब्यूटी को लेके ये बहुत ऑब्सेस्ड है, ये बार बार आपके फिजिकल ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस में ये आपके दिल से ज्यादा आपके फिजिकल ब्यूटी के ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। बट ये सिचुएशंस ही कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि ये पर्सन एक अपने पास से बाहर आ रहे हैं या फिर अपने दर्द भरे साइकिल से बाहर आ रहे हैं। ऊपर से इस टाइम पे इसको रोमांस का मूड नहीं है, बट इस टाइम पे इसको थोड़ा सा लव मेकिंग का मूड है। ये बहुत जल्दी आपके पास पहुंचना चाहते हैं बट ये इस टाइम पे बहुत बिजी है, शायद ये कॉल और मैसेज नहीं कर पा रहे क्योंकि इसका मूड वैसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं इसका बॉडी का एक अर्जेस है और ये इसके बॉडी के अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो अगर आपके कोई पर्सन आपको मैसेज कर रहे और बहुत ज्यादा इंटीमेट मैसेज आपको लग रहा है तो ये उनके अंदर एक स्पिरिचुअल चेंजेस है। मेरे ख्याल से ये लोग अपने लास्ट का शिकार है और ये अभी तक वो चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं या फिर विन नहीं कर पाए, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि इनके लस्टफुल एनर्जी पहले ही इसके लाइफ से बाहर हो जाए। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन का रियल चेहरा बाहर आ रहा है। ऐसा मैं देख सकता हूँ, आप किसी पर्सन को सोचे थे ये दूसरे पर्सन से काफी अलग है, बट फाइनली आपको शायद पता चल रहा है कि ये भी आपसे लास्टफुली ही बात कर रहे हैं। हो सकता है ये बहुत नए कनेक्शन से, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपको शायद आपका शायद एक ब्रेकअप का फेज चल रहा था। हो सकता है आप रिसेंटली डेटिंग वेबसाइट पे गए हो और किसी के साथ मिले हो और बात प्यार के तरफ नहीं जा रहे, बट आप दोनों को एक पसंद किए हो। हो सकता है ये इन्फैटुएशन हो सकता है ये लस्ट हो सकता है ये क्रश हो, बट कहीं ना कहीं मैसेजेस एक्सचेंज चल रहे हैं। ये एक नए पर्सन की एनर्जी है, हो सकता है कोई एरीज लियो सजिटेरियस या फिर कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो आपको मिस कर रहे हैं बट बात कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि ये आपके सामने बहुत स्मार्ट होना चाहते हैं। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश, हर बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और बहुत टॉकेटिव में नहीं बोलूंगा बट डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ऐसा खासियत है जिसको आपको लगे कि हाँ इस पर्सन के अंदर कुछ बहुत अच्छा एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन हर मूड में खुद को चेंज करने में माहिर है, रेड कलर इसका फेवरेट है। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत बटरफ्लाई देख रहे हो, फ्लावर्स देख रहे हो या फिर चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचे थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं हैप्पी टाइम्स का। सो ये पर्सन बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन है और ये पर्सन बिल्कुल एक पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। बट मैं ये देख सकता हूं कि आप इस पर्सन को इस टाइम पे पसंद कर रहे हो क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे आप भी एक सिचुएशनशिप चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि ये जो आप दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा हुआ के मनमानी तो उस चीज को आप स्किप करना चाहते हो। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप भी अवॉइड करना चाहते हो कुछ एक पर्सन को और उसके लिए शायद आप दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन भी आपको अवॉइड करना चाहते हैं तो इसीलिए दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहे थे। बट फाइनली आप दोनों को लगा कि ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब बेकार टाइम वेस्ट है, सो डायरेक्टली आप लोग बात कर रहे हो और
कहीं ना कहीं आप दोनों यू नो एक दूसरे से बोल रहे हो कि काफी डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे, तो इसीलिए आपने कोशिश की है बट कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों बात की करने वाले हो कि हाँ आप दोनों ही दोनों को बहुत पसंद कर रहे हो सकते हैं ये एक नया शुरुआत है। मैं ये भी देख सकता हूं कि आपको यू नो एक एहसास हो रहा है कि शायद आपको मूव ऑन करना चाहिए और एक नए जिंदगी का शुरुआत करना चाहिए, और शायद आप 2-3 पर्सन के साथ डेट करने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि ये 8 of Wands की एनर्जी है जहां पे आप घर पे बैठ के किसी के साथ बात करने का मूड में नहीं हो, जहां पे आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ मिलना चाहते हो, तो हो सकता है आप एक्सप्लोर कर रहे हो इस टाइम पे 2-3-4-5 जन के साथ, बट कहीं ना कहीं आप मन से चाहते हो एक पर्सन आए और आपको एक नए तरीके का एक एहसास दिलाए। सो ओवरऑल मैं देख रहा हूं कि काफी एक्साइटिंग लोग हैं, बट इसमें आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हो, बट ये लोग काफी एक्साइटेड है, तो आई थिंक आप अभी भी प्रिपेयर नहीं हो किसी एक पर्सन को चूज करने के लिए। सो आप रैंडमली पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ बात करने के लिए सोचे हो बट ये पर्सन रेडी नहीं है, तो आप सोचे हो कि कब इसका मैसेज आएगा। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट अ मैसेज फ्रॉम दैट पर्सन। ऐसा हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई चाहते हैं कि आप उसको मिस करें, तो इसीलिए वो कुछ पॉज किए थे, तो फाइनली उसका मैसेज आ रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, ये एक नए पर्सन है या फिर आपके पुराने जिसके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट चल रहा था, इसका अचानक मैसेज आ रहे हैं। कोई पर्सन सोच रहे कि और नहीं सह रहा है मुझसे, मैं मैसेज करूं। मैं देख सकता हूं कि कोई पर्सन फाइनली बहुत दिन के बाद, ये 1 साल के बाद 3 महीने के बाद मैसेज कर सकते हैं, और ये मैसेज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स सी, ऐसा कौन सा बात है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको कहना चाहते हैं, कौन सा वो बात। ओके, 9 of Cups, ओके, 3 of Cups एंड The 9 of Pentacles। देखिए, आपके पर्सन आपको यही चीज बोलना चाहते हैं कि वो आपको चाहते हैं और वो आपको प्यार भी करते हैं आपके अनोखे अंदाज को देखते हुए। वो आपको काफी अलग मानते हैं और यू नो वो यही चीज आपको बोल रहे हैं कि आपके जो ब्यूटी है वो है आपकी यूनिकनेस। आप दूसरों से काफी अलग हो बट फिर भी आप दूसरों के बीच में रहते हो। कहीं ना कहीं मैं ये चीज देख रहा हूं कि वो आपको अपना फैमिली मानते हैं, बट साथ ही साथ वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि इस टाइम पे वो रेडी नहीं है कोई ऑफिशियल कमिटमेंट के लिए, बट वो आपको वादा करते हैं कि वो जिम्मेदारी लेंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन को डर है इसके सोशल रेपुटेशंस का, तो वो आपको बोल रहे हैं कि मेरे को थोड़ा वक्त दो एंड आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर फर्स्ट, आई नो आई लव यू बट आई नीड सम टाइम। वो आपसे थोड़ा वक्त चाहते हैं और वो वक्त इसीलिए चाहते हैं क्योंकि ये खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आई थिंक इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो इस रिलेशनशिप्स को इतना जल्दी कोई टैग नहीं देना चाहते, वो इस रिलेशनशिप्स के लिए वेट करने के लिए राजी है। एंड आई थिंक वो उसको पता है कि आप उनके तरह ही हो, लगभग सोलमेट एनर्जी, और उसको पता है कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। कई कबार वो ऐसा भी देखते हैं कि आप एक साइकिक हो या फिर आपके साथ बातें करने से वो हील हो जाते हैं। वो आपको एक फ्लावर की तरह देखते हैं जिसका हर कलर है, जिसका हर मोमेंटम है, और वो आपको बहुत अपना मानते हैं। बट साथ ही साथ वो इस टाइम पे आपको ये भी चीज़ बोल रहे हैं कि उसके फैमिली में इस टाइम पे शायद मैरिज इज नॉट एन आइडियल ऑप्शन, क्योंकि इस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करने हैं। बट वो ये भी जानते हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो और वो चाहते हैं कि आप और ज्यादा इंडिपेंडेंट रहे, और वो आपको ये भी बोल रहे कि आपको दुश्चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो लॉयल है, बट वो इतना जल्दी कुछ डिसीजंस नहीं लेना चाहते क्योंकि वो अपने खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं।
मेरे ख्याल से वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि पास्ट में शायद वो इनफीडियल रहे हैं, मेरे ख्याल से उसको पता है कि वो बहुत जल्दी लोगों को बहकाने पे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में थे, जहाँ पे शायद वो किसी और के साथ थे बट उसका दिल किसी और चीज़ के ऊपर था। सो वो उस कम्यूनिटेड रिलेशनशिप्स को दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसके एक कॉम्प्लिकेटेड साइड है और उसके वो कॉम्प्लिकेटेड साइड को वो दोबारा नहीं ले आना चाहते। तो ये बोल रहे कि मेरे को थोड़ा बक दो क्योंकि मेरे को खुद के ऊपर काम करनी है। ये बहुत स्लो पर्सन है, ये बहुत जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको बार बार एक ही मैसेजेस आ रहे हैं कि आई कांट गो फास्ट, प्लीज स्लो डाउन, प्लीज स्लो डाउन। ओके, इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स से? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको पसंद करते हैं, ट्रूली आपको पसंद करते हैं, बट इसको डर है क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। इसको लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है बट आप ये चीज को इसके सामने छुपाते हो। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आपके पास में बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे बट शायद आप इसको बोले थे कि उतना ज्यादा खास कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से इसको डर है कि कहीं ना आप किसी दूसरे पर्सन को चूज कर लो इसके बदले में, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि इसके पास पैसे हैं बट कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में शायद आप बहुत ज्यादा सुंदर है, इसका मानना है ये। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं इसका एज भी आपसे बड़े है, तो ये अपने इनसिक्योरिटीज को छुपाते हैं। आह, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, आई थिंक ये पर्सन कंट्रोल फ्रीक है। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप अपने दोस्तों के साथ मिले या फिर किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। कहीं ना कहीं ये कस के पकड़ना चाहते हैं। और मैं ये भी देख सकता हूं कि इसको पसंद नहीं है कि आप काम करें, ये इसको पसंद नहीं है कि आप बाहर जाए, इसको पसंद नहीं है कि आप दूसरों के साथ मिले। ये आपको, ओह माय गॉड, ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे बट ये नहीं चाहेंगे कि आप दूसरे पर्सन के पास जाए। मतलब तुम किसी के पास जाओ तो मैं गुस्सा, बहुत गुस्से गुस्सा करूंगा करूंगा बट आई एम नॉट गोना गिव यू कमिटमेंट। सो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये मेंटली आपके साथ शादी कर चुके हैं बट ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। मतलब ये मानते हैं कि आप इसके वाइफ हो या फिर आप इसके हस्बैंड हो बट ये बोलते कुछ नहीं है। और हर सिचुएशंस में ये चाहते हैं कि आप उनसे परमिशंस ले और आपका कंट्रोल वो एक्सेस करे। कुछ कुछ जगह पे मेरे को लगता है आपका पासवर्ड भी ये चाहते हैं आप उसको बोल दो। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपको ये भी बोल रहे कि आपको नौकरी करने का क्या जरूरत है, आपको दूसरे पर्सन के साथ मिलने का क्या जरूरत है। कहीं ना कहीं ये चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये चीज इसके अंदर के जो ये ओवर पोजेसिवनेस है ये छुपाते हैं, या फिर आपको भी शायद शक है कहीं ना ये उतना ओवर पोजेसिव ना हो बट यस ये ओवर पोजेसिव है और ये चीज छुपाते हैं क्योंकि इसके पास रिलेशनशिप में भी इसको लेके बहुत इश्यू हुआ। हो सकता है इसके कारण इसका ब्रेकअप भी हुआ है। इसके बाद आए हैं फाइव ऑफ कप्स एंड उसके बाद आए थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मेरे ख्याल से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से ये आपको अपना पास्ट या तो डिवोर्स के बारे में छुपाए हैं या फिर अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ चीज को छुपाए हैं। आई थिंक ये शो किए हैं बहुत स्ट्रांगली आपके सामने एक पिक्चर को ये रखे हैं बट मेरे ख्याल से उसका कुछ अलग पहलू था। आई काइंड ऑफ फील, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपको जो पहलू बोला है वो पहलू शायद ये अपने दोस्तों को भी बोला है बट इसको कुछ अलग था। मेरे को ऐसा लगता है कि इसको कोई चीट किए थे और इसको कोई मैनिपुलेट भी किए थे और इसके बारे में इसको पता था। सो ये पहले ही एक खुद के मर्जी में थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स के अंदर गए थे और ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स के अंदर इसीलिए गए थे क्योंकि इसको पता था कि जो सामने वाले पर्सन के पास ये गए थे शायद ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे बट अल्टीमेटली इसको रिजेक्शन मिला। सो मेरे को लगता है कि ये सब कुछ जानते हुए एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के अंदर गए थे। आई थिंक ये चीज आपको शायद ये बोले होंगे कि नहीं ये एक ऑफिशियल रिलेशनशिप्स के अंदर गए थे बट नो, यहाँ पे भी थ्री ऑफ कप्स और यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स,
इट्स अ क्लियर कट वर्ड्स कि ये इसीलिए इतना कंट्रोल फ्रीक है क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स के अंदर थे जहाँ पे इसको इसको ये देखे कि इसको चीट किए हैं सामने वाले पर्सन, और ये इसीलिए ये चीटेड हुए थे क्योंकि इसके सब कुछ पता था कि सामने वाले पर्सन ऑलरेडी एक दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, या फिर वो ऑलरेडी एंगेज थे, या फिर वो पर्सन शायद इसके साथ उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं थे, सब कुछ जानते हुए भी एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के अंदर गए थे, या फिर एक मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप्स में गए थे और इसको पता था कि वो पर्सन मैरिड थे, उसके बावजूद भी ये गए थे, और जहाँ से इसका इनसिक्योरिटी बिल्डअप हुआ, जहाँ से इसका कंट्रोलिंग नेचर बिल्डअप हुआ, जहाँ से इसका ये ओवर पॉजिटिवनेस बिल्डअप हुआ, बट ये सब करते हुए भी इसको इस रिलेशनशिप से हाथ धोना पड़ा क्योंकि शायद वो इसके डेस्टिनी के लिए ही नहीं थे। तो इसीलिए आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, इसको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, अक्सर बातों को चेंज कर देते हैं, टॉपिक को चेंज कर देते हैं, कोई मीनिंगफुल टॉपिक डिस्कस नहीं करते हैं, हमेशा ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि मान लो बात तो ये करना चाहते हैं बट थोड़ा देर बात करने के बाद यू नो यही पीछे हट जाते। आई थिंक ये हमेशा एक चीज़ को दिखाना चाहते हैं और सोचते हैं कुछ और, कहीं ना कहीं इसके बोलना और इसके समझने के अंदर एक फर्क है। लेट्स सी ये पर्सन और आपके कंपैटिबिलिटी कैसा है, लेट जस्ट सी आप दोनों के कंपैटिबिलिटी कैसे हैं। ओके, सेवन ऑफ कप्स, व्हेन इट कम्स टू कंपैटिबिलिटी तो आप दोनों ही काफी कंफ्यूज हो इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जिस चीज को शायद आप एक्सप्लोर नहीं किए हो, बहुत ऐसी चीजें हैं जो चीज को शायद आप देखे हो, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आप दोनों बहुत ज्यादा इनकम्पैटिबल हो, बट कंपैटिबिलिटी है, बट देयर आर सम इश्यूज। इश्यूज मतलब आप उस तरीके से इसको नहीं देखे हो, या फिर आप दोनों उस तरीके से टाइम स्पेंड नहीं किए हो, तो अभी भी आप दोनों के अंदर बहुत डाउट है, काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि इसके पास ऑप्शन है, या फिर इसको लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, या फिर आप दोनों अभी तक अपने माइंड सेट को प्रॉपरली क्लियर नहीं किए हो कि कौन सी चीज़ आप दोनों के बीच में एकदम जीरो है और कौन सी चीज़ आप दोनों के बीच में 100/100 है। सो आई थिंक आप दोनों डिस्कस नहीं किए हो, या फिर अभी तक डिस्कवर नहीं किए हो कि आप दोनों के बीच में कौन सा वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड कौन सा वो चीज़ है बुरा है। सेकेंडली है टू ऑफ शोर्ड्स, आई थिंक लॉजिक है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लॉजिकली आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो, यू नो ये बोलना भी ज़रूरी नहीं है, आई थिंक ये चीज़ शायद आपको पता है कि आपके सिचुएशन एंड इनके सिचुएशंस बहुत ज़्यादा सेम है, सो सिचुएशन वाइज और टेक्निकली आप दोनों कंपैटिबल हो, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे लॉजिक है वहाँ पे प्यार नहीं। सो ऐसा भी मैं देख सकता हूँ कि टेकन फॉर ग्रांटेड शायद आप इसको नहीं लेना चाहते हो, या फिर यू नो आप जिंदगी को एक्सेप्ट किए हो और ज़िंदगी के साथ एक सौदा किए हो कि भले शायद मेरे को वो नहीं मिला है बट मेरे को ये मिला है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि लॉजिकली किसी पर्सन को आप एक्सेप्ट किए हो, या फिर लॉजिकली सिचुएशन वाइज आप किसी पर्सन को एक्सेप्ट किए हो जहाँ पे शायद प्रॉपर प्यार नहीं है बट एक कंफ्यूजिंग प्यार को आप लॉजिकली एक्सेप्ट किए हो। ऐसा हो सकता है कि इस प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए आपका कोई वजह नहीं था, बट फिर भी आपने आपको देखा है कि येस दिस कुड बी एन आइडियल ऑप्शन, या फिर इसको भी लगा है कि आप एक आइडियल ऑप्शन हो तो शायद आप लोग चूज किए हो, बट दोनों के पास ऑप्शंस उतना ज्यादा नहीं था चूज करने के टाइम पे। एंड कंपैटिबिलिटी का लास्ट कार्ड है पेज ऑफ वंड्स, तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ग्रोथ। सो आप दोनों पहले एक चीज देखिए, आप दोनों का एम्बिशंस क्या है, गोल्स क्या है, और बातें करने का तरीका क्या है, दुनिया देखने का तरीका क्या है, पैशन क्या है। सो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि काफी कंफ्यूजन है व्हेन इट कम्स टू लव, बट जब लॉजिक का बात है तो यहाँ पे दोनों ही लॉजिकली करेक्ट हो, जब पैशन का बात है तो दोनों ही इक्वली पैशनेट हो। सो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप्स को मैं बोल सकता हूँ कि लॉजिकली पैशनेट रिलेशनशिप्स है बट प्यार में काफी कॉम्प्लिकेशंस है। सो
ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स है बट लॉजिकली करेक्ट है. सो कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ कि आप दिल को बोले हो कि नहीं, आपको मेरे को दिल का नहीं सुनना है, दिमाग का सुनना है, एंड ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा है, सो मैं मेरे दिल को समझा के इस पर्सन को हाँ बोल रहा हूँ. कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से भी हुआ है, दोनों बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किए हो, तो इसीलिए मैकेनिकली मेरे को लग रहा है एक दूसरे के साथ आप दोनों एक साथ हो रहे हो. भले आप दोनों का दिल एक दूसरे के साथ नहीं दे रहा है बट मैकेनिकली आप दोनों एक दोनों के साथ होने की कोशिश कर रहे हो. लेट्स जस्ट सी इस रिलेशनशिप्स का फ्यूचर एनर्जी कैसा दिख रहा है, यानी कि इमीडिएट फ्यूचर में ये एनर्जी कैसा रहेगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जी कैसा रहेगा इमीडिएट फ्यूचर में. फर्स्ट एनर्जी अपडेट आया है द हाई प्रिस्ट. मेरे ख्याल से कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो शायद आपको कंप्लीटली आपके इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करने से ही मिलेगा, रिवील कर पाएंगे आप. सो कहीं ना कहीं आपका एक इंट्यूशंस हो रहा है कि ये कुछ ऐसे करने वाले हैं या फिर कुछ ऐसे बोलने वाले हैं, एंड सिमिलरली वो इंट्यूशन सही है. आई थिंक आपने कुछ ड्रीम्स देखे हो या फिर रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो या फिर आपके मन में ऐसा हो रहा है कि शायद वो ये करने वाले हैं. आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि कुछ ऐसे इंट्यूशंस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं और वही होगा. मेरे ख्याल से कुछ टैरो रीडिंग्स आप देखे होंगे, सेम टाइप का रीडिंग्स आए होंगे या फिर आपके मन में एक ऐसा ख्वाहिशें आ रही है कि हाँ अभी शायद ये कुछ करेंगे. मेरे ख्याल से 2 साल से कोई बात नहीं कर रहे थे, 2 महीने से बात नहीं कर रहे थे, 2 वीक से, 2 दिन से, जो भी है, कोई कुछ सीक्रेट रिवील करेंगे कि क्योंकि किसी का तबीयत बहुत खराब था, किसी का फोन खराब था और इसीलिए वो बात नहीं कर पाए. या फिर कोई ऐसे पर्सन बोलेंगे कि शायद किसी को कुछ दिन के लिए थोड़ा सा अलग रहना था तो इसीलिए वो बात नहीं कर पाए. आई थिंक कोई पर्सन रिज्यूम करे कुछ चीज़ों को, किसी का तबीयत खराब था, किसी का मम्मी का तबीयत खराब था, घर में किसी का तबीयत खराब था और वो फाइनली बात करेंगे. और कोई अपने ओ माय गॉड, हाँ कोई देख रहे थे कि आपके बिना वो कितना दिन अच्छे से रह सकते हैं या फिर बुरे से कैसे रह सकते हैं. आई थिंक कोई एक्सपेरिमेंट की भी किए हैं. ओ माय गॉड, एंड फाइनली उसको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, शायद उसको बात करना चाहिए क्योंकि ये ही यूनिवर्स चाहते हैं. यहाँ पे है 4 of Swords के कार्ड्स, तो डेफिनेटली 4 of Swords मीन्स हीलिंग. आई थिंक कोई पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप्स का मौका है और कोई पर्सन फाइनली राजी हो जा रहे हैं यूनिवर्स के साथ. आई थिंक कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उसका गुस्सा ठंडा हो रहा है. कोई पर्सन बहुत दिन से बात नहीं कर रहे थे, फाइनली उसके मन में आ रहा है कि हाँ वो फाइनली बात कर सकते हैं, या फिर कोई एक हीलिंग जर्नी में थे. आई थिंक कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से गुजर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हुआ था, जिसका तबीयत बहुत ख़राब था और वो बात करेंगे. ये जब बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत चेंज हो गया है, बहुत नए एनर्जी है इनका, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बात करना चाहते. ये कोई हार्ड फीलिंग लेके बात नहीं करेंगे, ये एक नया स्टार्ट करना चाहते, ये बहुत अच्छे से आपको समझना चाहते, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहते हैं कि आप दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से. लड़ते लड़ते शायद आप दोनों थक गए हो, अब आप दोनों को नहीं लड़ना चाहिए. यू नो, ये आपको यही चीज़ बोलेंगे कि शायद आप दोनों को लड़ना बंद कर देनी चाहिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते. लड़ते लड़ते शायद टाइम खत्म हो जाएगा, ऐसा इसको मानना है. एंड ओ माय गॉड, इट्स अ नाइट ऑफ कप्स. सो कोई पर्सन है जो आपको फाइनली अपना दिल का बात बोलेंगे क्योंकि ये पर्सन इसका रिबर्थ हुआ है. ऐसे एक पर्सन थे जो आपको भरोसा नहीं कर पा रहे थे, बार बार आपके पास्ट को लेके ये बहुत एंग्शियस हो रहे थे. इसको लग रहा था कि शायद आप इसके ऊपर नहीं, इसको काम को देखते हुए या फिर इसके लाइफ को देखते हुए इसके साथ बात कर रहे हो, बट फाइनली कोई पर्सन देखेंगे नहीं, इसको आप प्यार करते हो. सो प्रपोजल हो सकता है, एक नया क्रिएटिव स्टार्ट हो सकता है, या फिर ये आपको बोल सकते हैं कि आप दोनों एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम करेंगे, ऐसा हो सकता है. या फिर आप दोनों कोलीग हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो या फिर ये आपसे बहुत यंग हैं. ऐसे पर्सन, कोई एक यंग पर्सन आपको जिंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहे, कोई यंग पर्सन आपको सेकेंड चांस के लिए बोल रहे. शायद हो सकता है आपके पर्सन आपको एक सेकेंड चांस
देने के लिए बोल रहे कि जिंदगी को एक बार सेकेंड चांस दो. आई थिंक आप दोनों ही डिसाइड कर रहे हो कि शायद आपको रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस देना चाहिए. आई थिंक एक रीस्टार्ट बटन को आप लोग प्रेस करोगे, दोबारा आप एक दूसरे को फील कर पाओगे. आई थिंक ये एक पॉज के बाद फिर से जिंदगी को आप लोग एक्सपीरियंस करोगे. ओ माय गॉड, इट्स अ ग्रेट एनर्जी. आई थिंक ये आपके पर्सन आपको फील करवाना चाहते हैं कि आप दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो, अभी भी चांस है, देयर इज स्टिल अ होप, एंड ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है जो आपको, जिस दिन वो आपको याद नहीं किए. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ. आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा डिवाइन रिलेशनशिप्स. इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद. ये मेरे रिक्वेस्ट है, और ऐसे ही प्यार करते रहिए. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशंस को भी आप लोग प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास आ जाए. अगेन एक चीज़, मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ, तो कोई भी फेक प्रोफाइल्स अगर आप देखते हो विदाउट ब्लू टिक, उसको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए. बाय बाय. ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो. ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगी स्वाहा. बाय बाय. मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ.